नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुका हूं देख न्यू ब्लॉग में और मैं अभी एक इनके साथ ही बैठा हूं, आप देख सकते हो और काफ़ी लोग इनको जानते भी होंगे। और मैं चाहता था कि अभी मैं घर जाने का प्रयास करूं रहा हूं, तो रात को मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ गया, इसलिए मुझे घर जाना पड़ रहा है। और कोई ज़रूरी कोई मजबूरी यहाँ के लिए पड़ गई, इसलिए मैं जा रहा हूँ, बाकी जाने का मन नहीं था बिल्कुल भी। तो आज के लिए अभी चलते हैं, क्या होता है रास्ते में, कैसे पहुँचता हूँ घर, तो इस ब्लॉग में बने रहिए आप लोग और देखते हैं कैसे और कब पहुँचता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, क्यों अभी तो अभी शुरुआत किया ही है, तो देखते हैं रास्ते में क्या क्या होता है। आज लोग देख सकते हैं कि अभी मैं स्वेटर वगैरह डाल लिया हूँ और थोड़ा कॉलर वॉलर सही कर लूँ अपना, और उसके बाद में चलते हैं फिर। और बस खड़ी हो चुकी है हमारे अड्डे पे जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं फुल तैयारी में हूँ और देख सकते हैं पूरा, और उसके बाद में मैं चलने वाला हूँ बस के पास में, और वहाँ पे बैठते हैं और सीट वोट देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि बस खुद का अपना थोड़ा पर्सनल लोगों का ही है, तो थोड़ा दिक्कत ना पड़े बाद में जाने के बाद, इसलिए हम पहले ही जाने का कोशिश करेंगे। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं वहीं पर। काफ़ी रोमांचक लग रहा है, क्योंकि ऐसे में थोड़ी परेशानियाँ भी हो रही हैं हमें, परेशानियाँ होने के कारण बहुत मुश्किल भी है भाई, चल नहीं पा रहा हूँ, ऐसे नींद आ रही है। मैं दिखाता हूँ थोड़ा देर में कहाँ पे हूँ। तो अभी हम लोग घर पहुंचने वाले हैं, तकरीबन हमें लगेगा तो दो ढाई घंटे तक लगेंगे, उसके बाद में पहुँचूंगा। अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, क्योंकि बस लेट चलने के कारण से बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। बेसिकली अभी टाइम हो चुका था कि ये घर पहुंच जाने की, लेकिन अभी पहुंचा नहीं है, तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। तब तक के लिए आपको बाहर का नज़ारा मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। पहुंच गया हूँ भाई, मिलते हैं। तो अभी हमारी हालत देख सकते हो कैसे है, सब कुछ बेकार हो चुका है, और अभी मैं बहुत बुरा हालत में हूँ जैसे आप लोग देख सकते हो, और बहुत दिख नहीं रहा है, जैसे बहुत बेकार सी शक्ल दिख रही है अभी। तो अभी मैं पहुंचने वाला हूँ, पहुंचने तक दिखाते हैं क्या होता है।
तो आप लोगों ने सब चीज देखा भैया। और अभी फिलहाल मैं गांव के पास में ही हूँ, और गांव मेरा अभी तकरीबन है यहाँ से 4 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और जैसे कि अभी मैं बस से उतरा, आप लोगों ने सभी लोग देखा ही कि मैं कहाँ से उतरा हूँ। तो ये लास्ट बस थी हमारी गांव की, और अब यहाँ से हमें पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि इतनी दूर तक हमारे गांव तक बस कोई जाती नहीं है। वो जो चंडीगढ़ से चलती थी वो बस सिर्फ जाती थी, तो वो बस मुझे मिला नहीं और मैंने दूसरा बस पकड़ा। तो वहाँ चंडीगढ़ के किशनगढ़ से ही मुझे वो बस मिला, लेकिन वो यहाँ तक हमारे गांव जो है वहाँ तक नहीं आता था। वो तकरीबन मेरे गांव से रुकता है 20-22 किलोमीटर दूर। तो अभी मैं फिलहाल के लिए एक ये मेरा बोरी रह गया था, और जैसे मैंने दिखाया, और मेरे साथ जो एक बंदा और था उसका, जिसका नाम अनिल था, मैंने आपको पहले शुरुआत में ही दिखाया उसको, वो उसका घर तो मिल चुका है। और उसका घर तकरीबन पड़ता है मेरे यहाँ से 20 किलोमीटर के आसपास का फैसला है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, और चलते चलते तो अभी बहुत टाइम लग जाएगा मुझे, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ कि यहाँ का कैसा बैकग्राउंड है, क्या है हमारे यहाँ, क्या क्या सा चलता है। और मैं अभी कैसे जा रहा हूँ गांव में, आप लोग देख ही पा रहे हैं कैसे होलियाँ मेरी बहुत बेकार हो चुकी है। और यहाँ पे खेतों में जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत परेशानियाँ मुझे नज़र आ रही हैं। और उसके बाद में कोई मुझे दूर पड़ रहा है, और सुबह से जब से मैं चला हूँ कल, और सुबह खाया था, अभी तक खाना भी नहीं खाया, तो मुझे बहुत भूख भी लग चुकी है। लेकिन अब मेरी मजबूरियाँ बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को पता ही है। तो अगर जो आप लोगों को ऐसी मेरी कहानियाँ और ऐसी ब्लॉग मेरा पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर कर देना, और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे मेरा मनोबल और बढ़ता रहे। तो ऐसी वीडियो में भी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लाते हैं भाई, ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ऐसी वीडियो, ऐसा ब्लॉगर कोई है ही नहीं जो आपको देगा बना के। और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैंने आपको दिखाया और बताया। तो मेरे जब मैं आता था तो यहाँ का कुछ नज़ारा चेंज हो चुका है, जिसे अब मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। तो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। और पैदल ही जाना है तो बहुत टाइम लगेगा मुझे, तकरीबन लगेगा 1 घंटे के आसपास। और टाइम हो चुका है मेरा अभी तकरीबन 3 बज रहे हैं, और 3 बजने के बाद मैं अभी घर पहुँचते पहुँचते हो सकते हैं 4। तो चलते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, कैसे होता है, आपको सभी बताते रहता हूँ रास्ते में। तो तब तक के लिए आप ये देखिए कि मैं कहाँ से जा रहा हूँ। तो इधर से मैं आया हूँ, आप लोगों को पता ही होगा कि मैं इधर से आया हूँ। तो अभी तक रास्ता नहीं था इधर, लेकिन अब यहाँ पे खुल चुका है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे खुल चुका है। और बाकी चारों तरफ ही ऐसी तार लगी हुई हैं, इस तरीके का मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। और ये कांटे वाली होती हैं, बहुत ज़बरदस्त है, आपको लग जाएंगी तो बहुत जल्दी ये दर्द होता है बहुत ज़्यादा। और इस तरीके का तार मुझे ये लगाता है कि यहाँ पे गाय जैसे होते हैं और बैल होते हैं, वो आपके खेतों में ना जा पाए। तो अभी मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग देखें और शहर में और गांव में कैसा कंपेरिजिंग है वो आप लोग इसमें लगाएं। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फिर भी गांव बहुत ज़्यादा बैठे हैं, यहाँ पे क्या नाम 2-3 यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, आप दिख रहा होगा। और यहाँ पे बाकी और आप देख सकते हैं कि कैसे हैं। और वहाँ पे एक गांव दिख रहा है, वहाँ तक मुझे जाना है अभी जो मैं दिखा रहा हूँ, ये गांव है ना, यहाँ तक मुझे जाना है इस गांव तक। तो ये तकरीबन मेरे हिसाब से 1 या 2 किलोमीटर लग रहा है मुझे, मेरे हिसाब से। आपको मैं पूरा डिटेल में दिखाता हूँ, दूर से दिखता नहीं ज़्यादा, जूम करो तो चाहे दिखता है, उतना दिख नहीं रहा है इतना। तो अभी मुझे वहाँ तक जाना पड़ेगा, कैसे जाते हैं। और मेरा बैग है यहाँ पर, मैं दिखाऊँगा। तो मेरा एक थैला यहाँ पर रखा हुआ है, और इसके बाद मैं उठाता हूँ, फिर उसके बाद में चलते हैं। तो पहुँचते पहुँचते आप देख सकते हैं कि खेत की जुताई हो चुकी है, और यहाँ पे, और यह दूसरी खेत अभी नहीं जोता गया है, तो इस तरीके का दिख रहा है। और जो जोत चुका है वो इस तरीके दिखाता है, कुछ ऐसी उसके क्या नाम दिखती है कुछ इस तरीके का। और मैं अभी चलने का कोशिश पूरा लगातार जारी है, और चलते चलते मैं जैसे बता रहा हूँ कि अभी 1 घंटा तक तकरीबन लग जाएगा, तो इससे कम भी नहीं लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है। तो ये गाँव मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इतनी दूर घर
मेरा पड़ता है और इतनी दूर से इतनी दूर हमें जाना पड़ता है रोजी रोटी के लिए। तो और थोड़ी बातें और करते हैं, उसके बाद में चलते हैं, लगातार जारी है हमारा। सारी परेशानियां और बहुत सारी कठिनाइयों के बाद में मैं आ चुका हूँ। अभी आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल है और बाकी भी तरीके से आप जैसे देख सकते हैं कैसे शहरों में होता है, कैसे गांव में होता है। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं अभी आया था, मैं तकरीबन उस जगह से आया था जैसे आप देख सकते हैं, उस जगह से आया था और वो पेड़ के पास से मैंने आपको दिखाया था कि कैसे यहाँ पे इतने दूर मुझे जाना है। तो फाइनली गाइस अभी मैं पहुंचने वाला हूँ, तकरीबन अभी जितना आया हूँ इधर से उतना ही इधर से वहाँ जाना है। तो मुझे लगा कि आप लोगों को अच्छी तरीके से डिटेल में आपको देना चाहिए कि कहाँ से कैसे मेरे आप घर पे और गांव में जा सकते हो। हालांकि घर तक की वीडियो आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी टाइम है इतना, तो घर की वीडियो नहीं बना पाऊंगा और रास्ते की फुल एंजॉय लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल मजा लीजिए और देखिए मैं कहाँ से कहाँ पहुँचता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है अभी लाल के लिए। तो हमारे यहाँ पे ना गर्मी बहुत ज्यादा है, तो गर्मी के बचने का कोई स्वभाव अभी है नहीं और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ घर पे। तो घर पे देखते हैं कैसे मिलता है, तो थोड़ी देर के लिए और आपको बैकग्राउंड दिखाया जाएगा। फाइनली गाइस मैं तकरीबन आ चुका हूँ, अभी यहाँ से 4-4.5 किलोमीटर आ चुका हूँ और मुझे अभी जाना है तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर तक मेरे घर तक। तो यार बहुत काफ़ी काफ़ी मेहनत पड़ी आपने शुरू से अगर जो देखा होगा मेरी वीडियोस को, तो फाइनली इतनी मेहनत नहीं पड़ रही थी। हालांकि काम पे मैं जब करता था तब मेहनत पड़ती थी, लेकिन जहां मैं सफ़र में जो आया हूं चंडीगढ़ से जिला श्रावस्ती तक, तो यहां तक बहुत कम मुझे पड़ रहा था, बट थोड़ी देर में ही मेरी पसीना निकल आया है और मुझे अभी तकरीबन जाना है 1-1.5 किलोमीटर। तो मिलते हैं, देखते हैं अब और कहाँ तक मिल पाता हूँ आपसे, तो चलते हैं। फाइनली मैं 4 मोटरसाइकिल छोड़ के पचुई पे अभी बैठा, तो थोड़ी देर के लिए ही बैठा क्योंकि वो भाई साहब दूसरे की तरफ जा रहे थे, तो मुझे बोले कि अच्छा चलो ठीक है। वैसे फाइनली रिश्तेदार ये भी थे और इसीलिए थोड़ा मिल गया हेल्प और मुझे यहाँ तक ले आए। तो ज़्यादातर नहीं ला पाए, थोड़ी देर ही आ पाया मैं क्योंकि मुझे उन्हें इस तरफ जाना था और मुझे जाना है इस तरफ, आप देख सकते हैं। तो इसके करके आप हो गया मुझे लेट और पहुंच जाऊंगा फाइनली, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ी देर और जल्दी आ गया, बस इतना ही फर्क है। तो देखते हैं और कितना बन पाता है। तो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ अपने गांव में और अपने गांव के पास ही हूँ जैसे आपको मैंने दिखाया अपना गांव, और अभी मैं जा ही रहा हूँ क्योंकि थोड़ी दूर ही रह गया है, ज़्यादा दूर नहीं है अब। तो अभी हमें फ़िलहाल कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपका और मेरा सफ़र कैसा रहा पूरी रास्ते का, तो आप लोग ज़रूर देखें और भी इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाएँ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी वीडियो देखने के लिए। तो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ अपने गांव में और अपने गांव के पास ही हूँ जैसे आपको मैंने दिखाया अपना गांव, और अभी मैं जा ही रहा हूँ क्योंकि थोड़ी दूर ही रह गया है, ज़्यादा दूर नहीं है अब। तो अभी हमें फ़िलहाल कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपका और मेरा सफ़र कैसा रहा पूरी रास्ते का, तो आप लोग ज़रूर देखें और भी इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाएँ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी वीडियो देखने के लिए।